साक्षी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये इजी सा स्मोकी आई मेकअप लुक, जो कि मैंने क्रिएट किया है बहुत ही कम टाइम में। आप इसे बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो। और ये जो स्मोकी आई लुक है वो मैंने स्पेशली बिगिनर्स के लिए क्रिएट किया है कि अगर आप बिगिनर हो तो आप कैसे स्मोकी आई लुक पा सकते हो, वो भी एकदम इंटेंस स्मोकी आई लुक। तो देखने के लिए ये लुक आपको मेरी पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और आगे शेयर। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने भी वही तरह फेस मेकअप कर लिया है तो आप अपने अंडर आइज में लूज पाउडर लगा लो, क्योंकि स्मोकी आई लुक करने में बहुत ज़्यादा फॉल आउट्स होते हैं। तो अच्छे से इस तरीके से आप लूज पाउडर लगा लो। यहाँ मैं ये काजल ले रही हूँ, ये मैंने बहुत बिगिनर फ्रेंडली काजल लिया है, ये ADS का काजल है और ये आपको किसी भी लोकल स्टोर पे 20 से 30 रुपए का मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं पहले आउटर कॉर्नर पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, उसके बाद मैं इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ अंदर की तरफ, जिस तरीके से हम लाइनर लगाते हैं उस तरीके से करना है आपको। और धीरे धीरे करके इसको ऊपर तक लेते हुए जाना है और अच्छे से आपको इसको अप्लाई करना है। तो जिस तरीके से हम लाइनर लगाते हैं ना, मोटा मोटा इस तरीके से आपको कर लेना है। उसके बाद थोड़ा आपको ऊपर की तरफ हल्का सा लगाना है। इस तरीके का पेंसिल ब्रश लेके आपको जो ऊपर वाला आपका काजल है, सिर्फ आपको उसी को स्मच करना है, आपको नीचे तक नहीं करना है, सिर्फ ऊपर तक स्मच करना है। आपके पास पेंसिल ब्रश नहीं है तो आप एक ईयरबड ले सकते हो और उससे इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। देखिए, ये ऊपर का बिल्कुल अच्छे से स्मच हो गया है, कोई भी लाइन नहीं दिख रही है। तो इस तरीके से आपको भी इसको स्मच कर लेना है क्यू टिप की हेल्प से। उसके बाद मैं ये ब्रंट ऑरेंज शेड ले रही हूँ और इसको जो सबसे ऊपर वाला मेरा ब्लैक शेड था जिसको मैंने ब्लेंड किया है अपनी ट्रांजिशन पे, उस पर मेरे को ये वाला जो शेड है ऑरेंज वाला, इसको ब्लेंड करना है। इस तरीके से आपको ब्लेंड करना है। उसके बाद आपको एक क्लीन ब्रश लेना है, उसके बाद आपको क्लीन ब्रश लेना है और सारे एजेस को स्मच कर लेना है, सारे एजेस को ब्लेंड कर लेना है जिससे कि कोई भी लाइन ना दिखे। और उसके बाद आपको एक ब्लैक कलर का आई शेडो लेना है और फिंगर की हेल्प से ही आप इसको अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि फिंगर हमें इसको थोड़ा ना स्मजी लुक देना है, काइंड ऑफ स्मोकी लुक। तो उसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर लगाना हो, तो ये इस तरीके से फिंगर से थोड़ा गड़बड़ भी लग जाएगा तो वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमें उसे ब्लेंड करने में बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से वही सेम शेड लेना है ऑरेंज वाला और इनको आपस में ब्लेंड कर देना है, क्लीन ब्रश लेना है और फिर से आपको इसको ब्लेंड कर देना है। तो बस यही कुछ स्टेप आपको फॉलो करने हैं और आपका जो स्मोकी आई मेकअप लुक है वो प्रॉपर क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा लिड का जो मेकअप है वो प्रॉपर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोअर लैश लाइन पर लगाएंगे काजल, और यहाँ पर भी आप मैं सेम काजल ले रही हूँ, थोड़ा मोटा अप्लाई करना है। फिर आपको लेना है ब्राउन कलर का शेड। जो स्टेप्स आपने लिड पे फॉलो करे हैं वही स्टेप्स आप लोअर लैश लाइन पे फॉलो करोगे, इसको स्मज कर दोगे अच्छे से। उसके बाद हाइलाइटर अप्लाई कर दोगे आपके ब्रा बोन पे और आपके इनर कॉर्नर पे। हाइलाइटर अप्लाई करना बहुत ही मस्ट है, क्योंकि इसके बिना आपका जो स्मोकी लुक है उसे एक लुक नहीं मिलेगा, वो पॉप नहीं होगा। तो इस तरीके से मेरा जो ये आई मेकअप लुक है वो यहाँ कम्प्लीट हो गया है। लैशेस के लिए आप मस्कारा अप्लाई कर सकते हो, मैं आज केवल मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपको फॉल्सीज लगाना पसंद है तो आप फॉल्सीज भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये मेरा जो आई मेकअप लुक है यहाँ कंप्लीट हो गया है, एकदम स्मोकी काइंड ऑफ लुक है। 2 से 3 मिनट में ये हो जाएगा, बहुत ईजी है, कोई भी इसको रिक्रिएट कर सकता है। तो ये है मेरे मेकअप के बाद का फुल आई मेकअप लुक। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। लगी हुई है स्मोकी आई मेकअप लुक, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।